नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई मंडी अपडेट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुछ चुनिंदा मंडियों में 9 नवंबर को क्या रहे फसलों के दाम। शुरुआत करते हैं चावल से। तो जहांगीराबाद की मंडी में चावल के दाम थे 3101 रुपये, बुलंदशहर की मंडी में थे 3051 रुपये, खुर्जा की मंडी में थे 3000 रुपये, अलीगढ़ की मंडी में थे 3000 रुपये, मबाना की मंडी में थे 2980 रुपये। सोयाबीन की बात करें तो ललितपुर की मंडी में सोयाबीन के दाम थे 5350 रुपये। लहसुन के दाम ललितपुर की मंडी में थे 6620 रुपये, लखीमपुर की मंडी में थे 6490 रुपये। मक्के की बात करें तो जौनपुर की मंडी में मक्के के दाम थे 1900 रुपये, शामली की मंडी में थे 1880 रुपये, बुलंदशहर की मंडी में थे 1875 रुपये, मेरठ की मंडी में थे 1870 रुपये, मुजफ्फरनगर की मंडी में थे 1870 रुपये। अब बात करते हैं गेहूं की। तो टुंडला की मंडी में गेहूं के दाम थे 2015 रुपये, बदायूं की मंडी में थे 1990 रुपये, मेरठ की मंडी में थे 1980 रुपये, शाहजहांपुर की मंडी में थे 1980 रुपये, ललितपुर की मंडी में थे 1980 रुपये। बाजरे की बात करें तो कानपुर की मंडी में बाजरे के दाम थे 1735 रुपये, पुखलाया की मंडी में थे, कानपुर देहात की मंडी में थे 1630 रुपये, खुर्जा की मंडी में थे 1680 रुपये, फतेहपुर की मंडी में थे 1570 रुपये, उचनेरा की मंडी में थे 1540 रुपये। जौ की बात करें तो कानपुर की मंडी में जौ के दाम थे 2200 रुपये, मथुरा की मंडी में थे 2150 रुपये, शामली की मंडी में थे 1990 रुपये, फतेहपुर की मंडी में थे 1980 रुपये, इटावा की मंडी में थे 1975 रुपये। अब बात करते हैं उड़द की। तो कानपुर की मंडी में उड़द के दाम थे 9960 रुपये और कानपुर देहात की मंडी में थे 9800 रुपये। अब बात करते हैं मूंग की। तो गाजीपुर की मंडी में मूंग के दाम थे 7900 रुपये, दादरी की मंडी में थे 7870 रुपये, मेरठ की मंडी में थे 7860 रुपये, मुरादनगर की मंडी में थे 7850 रुपये। चने की बात करें तो गोंडा की मंडी में चने के दाम थे 6030 रुपये, प्रतापगढ़ की मंडी में थे 5980 रुपये, मेरठ की मंडी में थे 5965 रुपये, मवाना की मंडी में थे 5965 रुपये, मुरादनगर की मंडी में थे 5950 रुपये। अरहर की बात करें तो अलीगढ़ की मंडी में अरहर के दाम थे 9800 रुपये, औरैया की मंडी में थे 9750 रुपये, भरथना की मंडी में थे 9700 रुपये, आगरा की मंडी में थे 9670 रुपये। मूंगफली के दाम कानपुर की मंडी में थे 6200 रुपये, आनंद नगर में थे 5760 रुपये, आजमगढ़ में थे 5720 रुपये, आगरा में थे 5720 रुपये, वाराणसी में थे 5700 रुपये। आलू की बात करें तो गाजियाबाद की मंडी में आलू के दाम थे 1925 रुपये, मेरठ की मंडी में थे 1890 रुपये, बुलंदशहर की मंडी में थे 1890 रुपये, मुजफ्फरनगर की मंडी में थे 1890 रुपये, दादरी की मंडी में थे 1875 रुपये। प्याज की बात करें तो प्रतापगढ़ की मंडी में प्याज के दाम थे 3800 रुपये, गोंडा की मंडी में थे 3040 रुपये, गाजियाबाद की मंडी में थे 3000 रुपये, जाफरगंज की मंडी में थे 3000 रुपये। किसान भाइयों, आज के उत्तर प्रदेश के मंडी अपडेट्स में बस इतना ही। आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।